गांधी जी हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने के नए नए उपाय बता रहे थे। नोआखली और आसपास के क्षेत्रों में जिहादी निर्वस्त्र हिंदू महिलाओं के जुलूस निकाले जा रहे थे, लेकिन गांधी शांति और अहिंसा की अपनी विकृत धारणा का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी निर्लज्जता से करते रहे। 19 अक्टूबर को कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार छपा जिसमें नोआखली के विभूति भूषण दास के हवाले से शीर्षक दिया गया, वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम। इसमें बताया गया कि नोआखली में अधिकांश हिंदू पुरुषों को काट डाला गया है, महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बना दिया गया, उन्हें गोमांस खिलाया जा रहा है और पांचों वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की। नोआखली में जिन पुरुषों की हत्या की गई उनकी विधवाओं का निकाह उनके ही पति के हत्यारे के साथ पढ़वाया गया। बूढ़े मौलवियों की गिद्ध दृष्टि छोटी बच्चियों पर थी जिन्हें वे अपनी हवस का शिकार बना सके। गांधी के कहने पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी नोआखली के दौरे पर गईं। आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखा है कि हमारी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी और गवर्नर फ्रेडरिक बरूद से हुई। जब मैंने हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की बात पूछी तो गवर्नर बरूद ने उत्तर दिया, ये तो होना ही था, हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। मेरा मन किया कि मैं उन्हें वहीं पर पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सुचेता कृपलानी ने कुछ हिंदू महिलाओं को बचाकर राहत कैंपों तक लाने में सफलता पाई। पीर गुलाम सरवर हुसैनी इस बात से इतना भड़क गया कि उसने फतवा जारी करके कहा कि जो भी सुचेता कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। इसका परिणाम हुआ कि सुचेता कृपलानी हर समय अपने साथ जहर का कैप्सूल रखा करती थी। नोआखली नरसंहार शुरू होने के पूरे एक महीने बाद गांधी ने वहां का दौरा किया। वे सबसे पहले पास के तिपरा नाम के स्थान पर गए। यहां दंगा पीड़ित हिंदुओं के लिए राहत शिविर चला रही सुचेता कृपलानी के साथ गांधी की मुलाकात हुई। उनके काम से खुश होने के बजाय गांधी जी ने सुचेता कृपलानी से कहा कि कैंप में रह रही हिंदू महिलाओं को निशुल्क खाना ना दिया जाए, बदले में उनसे काम कराया जाए। गांधी जी ने सुचेता कृपलानी को ये निर्देश भी दिया कि वे इन हिंदू महिलाओं से कहें कि वे वापस अपने गांव में जाकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहें, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। नाथूराम गोडसे और उनके मित्र नारायण आप्टे भी तब नोआखली गए थे। वहां पर वे राहत कैंपों में रह रहे हिंदुओं की सेवा करते थे। गोडसे और आप्टे ने वहां जो कुछ देखा और गांधी की बातें सुनी, ये कहना गलत नहीं होगा कि वही आगे चलकर गांधी की हत्या का कारण बना होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार के वृतांत सुने तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसी कारण 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद घोष ने अपनी पुस्तक गांधी एज आई सॉ हिम में लिखा है, गांधी जी ने एक युवा से पूछा कि नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। युवा ने उत्तर दिया, हिंदू 20% हैं और मुसलमान 80%। गांधी जी ने पूछा, जमीनें किस अनुपात में हैं? युवक ने बोला, 80% जमीनें हिंदुओं की हैं और 20% मुसलमानों की। तब गांधी ने कहा, संघर्ष का असली कारण यही है, अर्थात जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता बताकर देश पर थोप दिया गया उसने जिहादियों के हाथों हिंदुओं के नरसंहार को आर्थिक असमानता से जोड़ दिया।